कर दो। पता नहीं मॉम ने मुझे इतना क्यों मारा। क्या मेरी गलती यही थी कि मैं स्टोर में बैठने के बजाय टीवी देख रहा था? नोबिता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है। हे नोबिता। क्या बात है जियान, क्या तुम्हें कुछ काम है? मैंने सुना है तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं जियान, तुम्हें इस बारे में किसने कहा? हाँ? देखो नोबिता, मुझसे ये सब किसने कहा तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। रुक जाओ, ये लो, ये लो। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जियान, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा था। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं भी खेल सकता हूँ? क्या हम इसे मना कर दें? चुप रहो वरना ये हमें खेलने नहीं देगा। अरे क्या बात है, शुरू करते हैं। कौन है? अरे भागो यहाँ से। देखो ये ठीक नहीं है जियान, रुक जाओ। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो बहुत पिटाई होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा आज का दिन ही खराब है। हाँ सुनियो का घर, वहीं चलता हूँ। क्या पहाड़ी पर? हाँ पहाड़ी पर जियान, वो अपना नया रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन उड़ाने गया है। कल ही उसके कजन ने गिफ्ट दिया है। ठीक है, मैं उससे वहीं मिल लूँगा। देखो तुम दोनों आराम से खेलना, आपस में झगड़ा मत करना, ठीक है बेटा? वाओ रिमोट कंट्रोल प्लेन, मजा आएगा। ये प्लेन तो कमाल का है। जियान यहाँ नहीं है इसलिए मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हे सुनियो। मैंने सुना है तुम्हें एक रिमोट कंट्रोल प्लेन मिला है। ये है। कमाल है सुनियो, इस प्लेन को उड़ाने में तो बहुत मजा आ रहा है। सही कहा, गोरिल्ला कहीं का। ये हमेशा मुझे परेशान करने के लिए आ जाता है। अगर इसे रिमोट कंट्रोल प्लेन उड़ाने का इतना ही शौक है तो इसे अपने लिए खरीद लेना चाहिए। लेकिन ये हमेशा दूसरों की चीजें यूज करता है। लगता है आज ये फिर इसे खराब करने के बाद ही मुझे वापस देगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन आज मैं इसे खराब करने से पहले ही वापस ले लूंगा, चाहे इसके बदले मुझे कितने भी घूसे खाने पड़े। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। सुनो जियान। सुनियो। हाँ बोलो। अब मैं घर जा रहा हूँ, ये लो। हाँ? थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा प्लेन कहाँ गया? अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ, उसने तुम्हें परेशान किया। तुम्हें भी सुनियो। हाँ जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो ऐसा मत कहो, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान करता रहेगा। हाँ डोरेमोन। हाँ? हमें एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस चाहिए जो हमारी रक्षा करे। हाँ तुमने सही कहा। डिफेंडर ऑफ जस्टिस? हाँ शायद, मुझे लगता है नोबिता मेरे पास ऐसा कुछ है। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ नोबिता ने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ जियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा डोरेमोन। हाँ। हाँ अगर तुम लोग इतनी ही जिद कर रहे हो तो डिफेंडर ऑफ जस्टिस पेट्रोल कार। वाओ ये कार तो बहुत अच्छी है। तो क्या यही डिफेंडर ऑफ जस्टिस है? अरे ये कार तो खिलौने जैसी है। ये दिखने में बेशक खिलौने जैसी है लेकिन अगर कोई छोटी सी भी गलती करेगा तो ये उसे सजा जरूर देगी। क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सच है, इसके टॉप पर एक एंटीना लगा हुआ है सुनियो, और जब भी कोई गलती करता है तो इसका सायरन बजने लगता है। ये कहाँ गई? लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। चलो अब जल्दी करो और इसे मुझे दे दो। लेकिन मैंने इसे अभी अभी खरीदा है भैया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसे सबसे पहले मैं ही पढ़ूंगा, समझ गए मेरी बात? अब इसे जल्दी दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं दूंगा। हाँ? अरे ये क्या है? अभी मेरे पास एक मामूली सी रिमोट कार से खेलने का टाइम नहीं है, हटो। जल्दी से इसे मुझे दे दो, समझे? मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लो। वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम हमेशा दूसरों को मारती हो, अब कैसा लग रहा है? क्या कहा? इसने सही कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब इस कार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बचाओ मुझे। मजा आ गया। ये देखा डिफेंडर ऑफ जस्टिस पेट्रोल कार कितनी पावरफुल है। तुमने सही कहा, जब तक हमारे पास ये पेट्रोल कार है जियान हमें परेशान नहीं कर सकता, अब हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। हाँ? एक 500 रुपए का कॉइन, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। चलो हम सब इन पैसों से जूस पीते हैं नोबिता। लेकिन हाँ? मुझे नहीं लगता तुम दोनों को ऐसा करना चाहिए। हाँ नोबिता डोरेमोन ने बिल्कुल सही कहा। इसमें गलत क्या है, ये 500 रुपए ही तो है। इतने पैसे पुलिस को लौटाने का कोई फायदा नहीं है डोरेमोन। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें ये पैसे पुलिस को लौटा देने चाहिए। ठीक है शिजुका, अगर हम इसे पुलिस को लौटा देंगे तो कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, थैंक यू बच्चो। घर चलते हैं। हाँ ठीक है। सुनो डोरेमोन। हाँ? ये हमारा पीछा क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता नोबिता। इसे वापस रख लो, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता नोबिता, इसे एक बार ऑन करने के बाद ऑफ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता डोरेमोन। लेकिन ये सच है नोबिता। हम घर आ गए। इसने मुझे क्यों मारा डोरेमोन? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। देखो नोबिता, आज तुमने ये नहीं कहा कि तुम घर आ गए हो। क्या इसीलिए इसने मारा था? ठीक है मैं ये कह देता हूँ, मैं घर आ गया। नोबिता तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ हाँ कर लिया। तुमने झूठ बोला ना। अब मैं यहाँ ऐसे ही बैठा रहूँगा, मैं नहीं चाहता ये मुझे और मारे डोरेमोन। नोबिता क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो प्लीज? नहीं मॉम मैं भूल गया था, मुझे अपना होमवर्क करना है। अच्छा ठीक है, अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। लेकिन नोबिता
अरे नहीं भागो। तुमने झूठ बोला। समझ गया हा? अब मैं इस कार को तोड़ दूंगा। मैं इस कार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा डोरेमोन। देखो नोबिता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये पेट्रोल कार एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है और तुम इसे नहीं हरा सकते। क्या कहा, डिफेंडर ऑफ जस्टिस? देखो वो कार मुझे बहुत परेशान कर रही है डोरेमोन। मैं जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। बाहर आओ। अरे नहीं भागो, मुझे बचाओ डोरेमोन। मुझे माफ कर दो, आज की बात मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखो आज तुम्हारी वजह से मैं भी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। ये दोनों यहाँ? ये सही टाइम है, अब मैं अपना बदला लूंगा। अरे ये तो वही कार है। कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आज से जियान डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जियान। क्या कहा, मैं डिफेंडर ऑफ जस्टिस? ठीक कहा तुमने, मैं ही हूँ डिफेंडर ऑफ जस्टिस। अब तुम दोनों पिटने के लिए तैयार हो जाओ। क्या, तुमने मुझे तंग कैसे किया? रुक जाओ। काश हमारे पास एक असली डिफेंडर ऑफ जस्टिस होता। हाँ, वो एक घोस्ट हाउस है क्या? वही घोस्ट हाउस जो अभी नया बना है सुनियो। हाँ, और वहाँ के घोस्ट बिल्कुल असली जैसे लगते हैं शिजुका। मैंने सही कहा ना जियान? मैं वहाँ जाने की सोच ही रहा था और जानते हो क्या हुआ? ये देखो। हाँ, ये टिकट तो घोस्ट हाउस की है जियान। हाँ, मेरे अंकल ने मुझे दिए हैं, हम सब साथ में चलेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्या तुम एक टिकट वेस्ट करना चाहते हो नोबिता? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें भी चलना होगा, जल्दी से अपने बैग्स घर पर रख कर आओ और मुझे ग्राउंड में मिलो। हाँ? हम सब जाएंगे, तुम तो जानते ही हो मैं अपनी मॉम के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। मैं आ गया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम आ गए नोबिता? फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर ने एक नए प्रोडक्ट का सैंपल भेजा है, ये अभी तक मार्केट में नहीं आया है। तो क्या ये वही प्रोडक्ट है? इम्यूनिटी स्प्रे। देखो, अगर किसी चीज के खिलाफ तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर है नोबिता, तो इसे स्प्रे करने के बाद तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? दरअसल मुझे ऊपर छत से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। जरूर कोई चूहा होगा। हाँ, इसीलिए मैं स्प्रे को यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि मुझे डर ना लगे। लेकिन जिस चीज से मैं डरता हूँ उसे पहले इमेजिन करना होगा, उसके बाद ही स्प्रे का इस्तेमाल करना है। लेकिन मुझे ये सोच कर ही बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? अगर मुझे कभी डर लगेगा तो मैं स्प्रे को यूज कर सकता हूँ। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जियान, जियान, शॉप को इस तरह खुला छोड़कर वो कहाँ चला गया? आने दो उसे, आज मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ।
क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुमने जो सबसे डरावना घोस्ट देखा है तुम उसके बारे में सोच सकती हो। क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा नोबिता? पहले मैं ट्राई करती हूँ। नोबिता जल्दी करो। हाँ अब मुझे डर नहीं लग रहा नोबिता। अब मेरी बारी है नोबिता। हाँ अब ठीक है नोबिता। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। ओके मेरा टर्न है, जल्दी करो इससे पहले कि जियान आ जाए। क्या हुआ नोबिता? सुनियो जल्दी से स्प्रे करता हूँ। हाँ नोबिता क्या तुम ठीक हो? हाँ सॉरी दोस्तों मैं लेट हो गया, चलो चलते हैं। मुझे तो अभी से डर लग रहा है दोस्तों। क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? मैंने यूज नहीं किया। चलो चलें। हाँ हाँ मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा जियान। हाँ मुझे भी नहीं लगा नोबिता। लाओ मैं तुम्हारी एक फोटो खींचती हूँ। क्या चीज़? अब हमें आगे चलना चाहिए नोबिता। हाँ चलो चलते हैं। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं बचाओ मुझे। है अब मुझे डर नहीं लग रहा। अरे नोबिता कहाँ है? हाँ अरे नहीं वो फिर बिना पूछे मेरा इम्यूनिटी स्प्रे लेकर चला गया। अरे इसमें क्या रखा है, एक वार्निंग लेबल? हाँ आज मुझे बहुत मजा आया। हाँ लेकिन मुझे लगता है जियान कुछ ज्यादा ही डर गया है। शिजुका तुमने तो कहा था तुम अपनी मॉम के सिवाय और किसी से नहीं डरते। नोबिता सुनियो तुम मुझ पर हंस रहे हो। रुक जाओ यहाँ चलते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। देखो आज जियान बहुत गुस्से में है नोबिता, इसलिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि वो हमें ना पकड़ पाए, समझे? समझ गया, हम इसे यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, अगर हम इसे यूज करेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं होगा नोबिता। ओके जल्दी करो। कहाँ भाग गए? आज उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। जियान तुम अकेले किससे बातें कर रहे हो? तुम्हें अभी बताता हूँ नोबिता। क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ कर रहा था, अब तुम नहीं बचोगे। कुछ मजा आया नोबिता? ये देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ जियान। क्या कहा? जियान क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो? तुम्हें तो मैं हाँ बोलो आज नहीं छोड़ूंगा। ये लो, ये लो, वाओ, लो, मेरे मजा आ गया, बहुत बढ़िया जियान, क्या बात। हाँ तुमने मुझे बहुत मारा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब हो क्या रहा है? मुझे अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हो सकता है हम दोनों की साथ में पिटाई करके तुम्हें अच्छा लगे जियान। हाँ तुमने सही कहा। अगर ऐसी बात है तो तैयार हो जाओ। हाँ? ये लो, ये लो। ये हो क्या रहा है? क्या तुम्हें कुछ हुआ नोबिता? बिल्कुल नहीं। मैं थक गया, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जब भी मेरी पिटाई करने का मन करे बता देना। फिर मिलते हैं जियान। बाय। कैसे हो सुनियो? अरे जियान तुम यहाँ? देखो अब मुझे पीटने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है इसी की वजह से तुम बच रहे थे ना। मैं घर आ गया। हे नोबिता। हाँ डोरेमोन। वो स्प्रे कहाँ है, क्या तुमने उसे यूज किया? जियान ने मेरी बहुत पिटाई की डोरेमोन लेकिन मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। सॉरी वो स्प्रे कहीं खो गया।
क्या बात है डोरेमोन? दरअसल जब मैंने उसका वार्निंग लेबल ध्यान से पढ़ा तो मुझे साफ साफ बताओ डोरेमोन, आखिर बात क्या है? वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं ऐसा मत कहो। हाँ। पहले मैंने इसे गोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ? इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ? अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की, बताओ मुझे? अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो जियान, तुम्हें तमीज नहीं है।